हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि नलके में जो है मोटर कैसे फिट होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान से समझना होगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले जो छोटा सा पाइप होता है उसमें उसको नलके के नीचे वाले हिस्से में ज्वाइंट करना होता है, जैसे कि दीपक। दूसरा जो पाइप होता है वो उसे उसके आगे जोड़ना होता है, जैसे कि इस वीडियो में दिख रहा है आपको। और ये छोटा वाला जो पाइप आपको दिख रहा है इसको मोटर के साथ पहले ही सेट कर लेना है। इसको सेट करने के बाद जो पहले देख लीजिए कैसे सेट करना है। उसे सेट होने के बाद अब देखिए जो साथ में दूसरा वाला पाइप है उसके साथ इसको अटैच करना है, इसको जोड़ना है। इसमें जितना कुछ आपको दिख रहा है ये सब मोटर वाले जो मोटर का जो डब्बा होता है उसमें डब्बे के साथ में सब कुछ सामान मिलेगा आपको। बस जो जहाँ जोड़ रहा है वो सब चीज़ ध्यान से उसको वहीं पे सेट करना है जहाँ पे सेट हो रहा है इसमें। इसीलिए कह रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आपको उसी डब्बे में ये धागा जो है, ये धागा और इसको जो चिपकाने के लिए एक फेविक्विक जैसा ही होता है, ये जो फेविक्विक चिपका रहा है ये आपको उस डब्बे में ही मिलेगा, मोटर वाले डब्बे में ही। मोटर के साथ फ्री मिलता है, फ्री नहीं होता, यानी इसके पैसे जुड़े ही होते हैं और उसके साथ ही मिलेंगे ये। और जैसे कि ये सब देख लीजिए, इसको देख के समझ के फिर कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा आपसे। पूरे पाइप को पाइप के साथ एक साथ नहीं जोड़ना है, जैसे कि इमेज में दिख रहा है आपको। पूरे पाइप को एक साथ नहीं जोड़ना है बल्कि आधे को जोड़ना है पहले पाइप के साथ और आधे को मोटर के साथ फिट करना है। इसका जितना भी ज्वाइंट है, जितना भी जोड़ है, उसको बहुत ही बढ़िया से और टाइट करके जोड़ना होता है ताकि आगे चल के लीक ना हो। इस जोड़ को थोड़ा सावधानी से करना होता है क्योंकि इसको थोड़ा परेशानी आएगी आपको करने में, बिल्कुल ध्यान से और सावधानी से करना होता है इसको। इस जोड़ को कस देने के बाद आपका मोटर जो पूरी तरह से तैयार हो जाता है और इसमें जो दो तारें होती हैं प्लस माइनस वाली उसको जोड़ के आप बिजली के साथ अटैच करके चला के देख सकते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने
अपना तैयार हो चुका है, पूरा बनके पूरा सेट हो चुका है और ये चला के देख रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल देख सकते हैं आप।